तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्दियों के मौसम में शुरू होने वाले पांच ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जो कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। यहाँ पे प्रॉफिट के मामले में आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिलेगा, वही इन्वेस्टमेंट आपका बहुत कम लगेगा। तो ऐसे पांच बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं रोहित कुमार और हम बात करेंगे यहाँ पे पांच बिजनेस आइडिया के बारे में जो कि सर्दियों में स्टार्ट कर सकते हैं, लो इन्वेस्टमेंट है और हाई प्रॉफिट देने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको इस ऐप के बारे में बता देते हैं, इतना पैसा उसने बस दो दिन में ही अपने इकट्ठे कर लिए। तो चलिए आपको भी उस ऐप के बारे में बता देते हैं कि आखिर से वो कौन सी ऐप थी जिससे कि आप रिफरेंस अर्न करके इतने अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों इस ऐप का नाम है अपस्टॉक। अपस्टॉक का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। अगर डाउनलोड नहीं करना चाहते तो यहां पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट अपने रजिस्ट्रेशन भी यहां पे करा सकते हो। तो अब दोस्तों यहां पे सबसे पहले नंबर पे हमारा जाता है गर्म कपड़ों का बिजनेस। तो दोस्तों सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा डिमांड जो रहती है वो रहती है गर्म कपड़ों का। गर्म कपड़ा मतलब ऊनी के कपड़े जो आपको ठंडी में पहनने के काम देते हैं, वही गर्म कपड़े होते हैं। तो आप इन चीजों का बिजनेस कर सकते हो, तो इसमें आपको ज्यादा फायदा जरूर मिलेगा क्योंकि आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे छोटा या बड़ा स्तर पर शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आप लो इन्वेस्टमेंट में छोटा स्टार्ट करिए, और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है अच्छे खासे तो आप बड़े बिजनेस को भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो अपने यहाँ स्टोर पर आप अपने थर्मल वियर, शॉल, स्वेटर और गर्म कपड़े या फिर जैकेट वगैरह सारी चीजें रख सकते हो जिसको कि सर्दियों में आप सेल कर सकते हो। तो इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो, यह बिजनेस आपका बहुत अच्छा खासा चलेगा। और दूसरे नंबर पर हमारा आ जाता है ड्राई फ्रूट और मिठाइयों का बिजनेस। तो दोस्तों सर्दियों के मौसम में ड्राई फ्रूट और मिठाइयों का डिमांड बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ जो त्यौहार आते हैं आपके क्रिसमस या फिर दीपावली, ये सारे मिठाइयों के ही त्यौहार होते हैं। इसमें लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ ही देना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर आपका मिठाइयाँ का जो बिजनेस है वो अच्छा खासा बढ़ जाता है। और यहाँ पे आपके ड्राई फ्रूट के भी बिजनेस बढ़ जाते हैं सर्दियों में क्योंकि लोग यहाँ पे ड्राई फ्रूट खाना ज्यादा पसंद करते हैं सर्दियों के मौसम में। अगर आप ड्राई फ्रूट का बिजनेस शुरू करते हो तो यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन है आपको बिजनेस करने का कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कम लगा के और अच्छे खासे प्रॉफिट भी कमा सकते हो। तो अगला हमारा आ जाता है कंबल और रजाई का बिजनेस। तो दोस्तों जैसा आपको पता है कि जब ठंडियां आती है तो उस समय हम अपने कंबल रजाई अपने बक्से से बाहर निकालते हैं, और जिन लोगों के पास कंबल रजाई यहाँ नहीं रहते हैं वो अगले साल के लिए अपने जो प्लानिंग किए रहते हैं खरीदना, तो उनको ये होता है कि कितने सस्ते दाम पे मिले। तो आप नया दुकान खोल के ऑफर देकर अपने कंबल रजाइयों का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, तो सर्दियों के मौसम में यह बिजनेस बहुत अच्छा खासा चलेगा। तो दोस्तों अगर हम अगला बात करें तो यहाँ पे चाय और कॉफी के बिजनेस का आ जाता है। चाय और कॉफी का बिजनेस अगर ठंडियों का मौसम है तो यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका चाय या कॉफी का बिजनेस ना चले क्योंकि वहाँ पे गर्म चीजों का डिमांड वहाँ पे ज्यादा बढ़ जाता है। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, चाय कॉफी पीना लोग पसंद करने लगते हैं सर्दियों के मौसम में। लोग सुबह में जाते हैं दुकानों पर अपने चाय और कॉफी पीते हैं, तो ऐसे में आप अपना चाय या फिर कॉफी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, टी स्टॉल लगा सकते हो। इसका बिजनेस कैसे शुरू करेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितनी जमीन की जरूरत पड़ेगा और कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसकी वीडियो हम बना दी। इस वीडियो को आप देख सकते हो हमारे चैनल पे जाके, इस सारी वीडियो को आप देख सकते हो। तो इसका लोकेशन वगैरह कैसे चयन करना है आपको सारी चीजें यहाँ पे हम बता दिए, इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो। तो अगला हमारा जो सर्दियों के मौसम में बिजनेस अच्छा खासा आता है वो आता है हमारा रूम हीटर का बिजनेस। तो यहाँ पर आप रूम हीटर का बिजनेस कर सकते हो सर्दियों के मौसम में। आपको ठंड में लोगों को ठंड से बचने के लिए वहां पे अपने रूमों को गर्म करके रखना पड़ता है, अपने खिड़की दरवाजे बंद करते हैं, कई लोग आग जला के सेकते हैं। ऐसे में आप अपना रूम हीटर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो जिसमें कि लोग रूम हीटर खरीदने के लिए अपने मार्केट में जाते हैं और उनको रूम हीटर ना मिलने की वजह से उनको शहर तक जाना पड़ता है। तो आप अपने एरिया में स्टार्ट कर सकते हो, वहाँ पर रूम हीटर का व्यवस्था दे सकते हो, लोगों को रूम हीटर बेच सकते हो जिसमें कि आपको बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट होंगे और इसका इन्वेस्टमेंट भी आपको कम ही आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप कैसे खोलते हैं इसका बिजनेस हमने बना दिया, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों आप चाहे तो साथ में रूम हीटर रिपेयरिंग भी यहाँ पे शुरू कर सकते हो, यहाँ पे अपने दो बिजनेस आप कर सकते हो। तो अगर आपको इसमें से पांचों में से कोई एक बिजनेस अच्छा लगा तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आपने किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो इसमें भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, उस पर हम आपको डिटेल वीडियो बनाकर दे देंगे। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, जिस पे क्लिक करते आप हमारे प्रोफाइल पे पहुंच जाओगे। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ।